राजभवन में कुलपतियों की नियुक्ति संबंधी बिल से शुरू हुए विवाद को शांत करने के लिए सीएम सुक्खू आज राजभवन में राज्यपाल से मिले। तकरीबन 4 महीनों के बाद सीएम सुक्खू का राज्यपाल से मिलना हुआ। बीते रोज ही राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति संबंधी बिल को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया था और कहा था कि बिल राजभवन में नहीं है बल्कि सरकार के पास पड़ा हुआ है। ऐसे में कृषि मंत्री कुलपतियों की नियुक्ति नहीं होने पर राजभवन को गलत दोष दे रहे हैं। सीएम सुक्खू ने राज्यपाल से मुलाकात की और कहा कि कुछ मसलों को लेकर राज्यपाल ने नाराजगी जताई है जो जायज भी है। योगा डे पर सरकार की तरफ से कोई मंत्री विधायक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ जिसको लेकर राज्यपाल नाराज थे। उन्होंने कहा कि कुलपतियों की नियुक्ति संबंधी बिल भी सरकार के पास है और संवाद की कमी के चलते ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा कि भविष्य में राज्यपाल से संवाद को बेहतर बनाया जाएगा ताकि इस तरह की गलतफहमी दोबारा न हो। एरिया में भी बादल फट रहे हैं और चौपाल में भी कल बड़ा निर्भर के पास नुकसान हुआ है, तो इन चीज़ों से हमको सबक लेना है और मेरा सभी हिमाचल की जनता से ये अनुरोध है कि जब बरसात का मौसम शुरू होगा तो नदी नालों के किनारे नहीं जाना है, क्योंकि कहीं भी अचानक नदी और नालों में एकदम पानी बादल फटने से बढ़ जाता है और अंदाज़ा भी नहीं होता और वो नुकसान जीवन को कर जाती है। तो हम इस बारे में हमने एहतियात बरतने की मैं जनता से अपील करता हूं और हमारी जो डिजास्टर एरिया है उसकी एक मीटिंग हो चुकी है और निश्चित तौर पर भविष्य में पिछली साल की तरह आपदा ना आए, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं और सारी चुनौतियों का सामना करने के लिए हमने दिशा निर्देश दे दिए। सर फील्ड स्टाफ क्या सबको एक्टिव रहने के लिए बोल दिया गया और मैं खुद इसका जायजा भी लेता हूँ। 2 महीने बाद मेरी उनसे मुलाकात हुई और 4 महीने क्योंकि चुनावों में व्यस्त रहे, क्योंकि 16 मार्च के बाद कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था, हम भी चुनावों में व्यस्त रहे। निश्चित रूप से मेरी उनसे मुलाकात थी क्योंकि मैंने उन्ना जाना था, तो मैं इसलिए आज उनसे कड़सी मुलाकात करने के लिए आया हूँ। कुलपति की नियुक्ति को लेकर कोई विवाद है या फिर फाइल कहीं अटकी है? नहीं, वो गवर्नर साहब ने अपनी नाराजगी जताई कि कुछ एक मुद्दे हैं, जैसे कि योगा डे वाले दिन हमारे सरकारी कार्यक्रम था और वो दिन शहर के हमारे मेयर भी यहाँ अनुपस्थित ही थे। उनकी बात सही है कि जब सरकारी कार्यक्रम है और वो संवैधानिक पद पर बैठे हैं तो वो थोड़ा सा उस चीज़ का ख्याल रखा ना जाना चाहिए और कुछ कम्युनिकेशन गैप है, तो मैंने कहा कि उसको भी दूर किया जाए। और जो कुलपति वाली फाइल है उन्होंने कोई 3-4 महीने पहले वापस सरकार के पास भेज दी थी और निश्चित तौर पर वो सेक्रेटरी लॉ के पास पड़ी रहेगी, तो उसके बारे में भी उन्होंने मुझे कहा और जो हमारे बात थी उसमें मैंने उनको बोला कि भविष्य में चीज़ों का ख्याल रखा जाए। सभी विश्वविद्यालयों की कुलपति की नियुक्ति जल्द होगी, कब तक संभव है सर? नहीं, वो तो हमारे माननीय महामहिम राज्यपाल जी चाहते हैं कि सभी विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति हो और नियुक्ति के तहत वहाँ जो शिक्षा का माहौल है उसको बना रहे। उस बारे में भी उन्होंने मुझसे चर्चा की, मैंने कहा कि इस बारे में हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं और निश्चित तौर पर जो भी उनकी जो उन्होंने विषय मुझे कहे हैं उस पर हमारी सरकार पूरा गौर करेगी। लॉ एंड ऑर्डर पूर्व में घटी या कहीं हुई है, हमने तो कहा कि कानून के तहत अपना काम करेंगे और ऐसी घटनाओं का सरकार निंदा भी करती है, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़े कोई लोग क्यों ना हो। गलत बात गलत है, हम इस प्रकार की वारदात को हिमाचल प्रदेश में सहन नहीं होने देंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर।